दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आप एक ऐसी कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन करते हो जहां पर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको बराबर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी रूटीन में जरूरत पड़ती रहती है, तो दोस्तों वैसे तो अकाउंटेंट लोगों को एक्सेल की जरूरत मंथ एंड पे या फिर क्वार्टर एंड पे या फिर ईयर एंड पे जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि हमें जीएसटी से रिलेटेड कंपनी का जो भी हमारा रिकॉर्ड है, आईटीसी से रिलेटेड है या फिर हमने जो जीएसटी रिटर्न फाइल्स करी है, उस सभी के डेटा को एनालिसिस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सहारा हमें लेना ही पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फिल्टर फॉर्मूला का यूज़ कब करते हैं और हमें फिल्टर फंक्शन का यूज़ यानी कि फिल्टर के ऑप्शन का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब हम डेटा टैब के अंदर जाते हैं तो हमें एक ये फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देता है। हम इस फिल्टर ऑप्शन का यूज़ हम उस रिकॉर्ड पे जाके फिल्टर का यूज़ करते हैं और जो भी रिकॉर्ड हमें देखना होता है उस रिकॉर्ड को हम यहाँ से फिल्टर कर लेते हैं। तो एक हो गया हमारा इस फिल्टर के ऑप्शन के द्वारा डेटा को फिल्टर करना। अब इस फिल्टर के ऑप्शन के द्वारा होता क्या है, भी जो भी हम फिल्टर का यूज़ करते हैं केवल हमें वही डाटा दिखाई देता है, उसके अलावा जो और रिकॉर्ड होता है वो हाइड हो जाता है, वो रिकॉर्ड हमें देख नहीं पाते। लेकिन आज हम जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं फिल्टर फॉर्मूला के बारे में, तो वो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, भी पर्टिकुलर हमारा जो ईयर्स का जो टोटल रिकॉर्ड है वो भी हमारा दिखता है और इसके साथ साथ जिस ऑप्शन पर हम फिल्टर लगाना चाहते हैं वो फिल्टर हमें केवल इंडिविजुअल अलग एक साइड में भी दिखाई देता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर मैंने अप्रैल मंथ लिखा हुआ है, तो मेरे सामने ये केवल अप्रैल मंथ का रिकॉर्ड आया हुआ है। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं मई चेंज करता हूँ, तो जैसे मैं मई करूँगा तो इसके साथ साथ मेरा ये सामने वाला जो रिकॉर्ड है जिस पर मैंने फिल्टर यूज़ किया हुआ है वो डाटा भी मेरा साथ के साथ चेंज होगा। और ये जो डाटा मेरा चेंज होगा तो इसके साथ साथ मेरा जो मेन रिकॉर्ड है उसके डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रिकॉर्ड मेरा हाइड नहीं होगा, वो सारा सामने दिखेगा। तो ये है हमारा इस फिल्टर के फॉर्मूले का कमाल। तो ये किस प्रकार से यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप सारी बातें समझ पाओगे और हमें इसका जीएसटी का आईटीसी से रिलेटेड इसका क्या संबंध है फिल्टर का वो भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ऑलरेडी जो फॉर्मूला लगा रखा है इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं और जो भी हम फॉर्मूला लगाएंगे वो आपके सामने लगा के हम बताएंगे लाइव तरीके के साथ। एक बार हम इंडिविजुअली पर्सनली मंथ का भी देखेंगे और उसके बाद अगर हमें इसी को क्वार्टर एंड भी यानी कि तीन तीन महीनों का रिकॉर्ड एक साथ देखना हो तब हम किस प्रकार का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव, यानी कि सारा डाटा डिलीट कर देता हूँ मैं। अब देखो मेरे पास है ये जीएसटीआर 2 जो मैंने टेली सॉफ्टवेयर से इसको एक्सपोर्ट किया एक्सेल में, और आप हेडिंग में देख सकते हो जो रूटीन में हम हेडिंग यूज़ करते हैं जीएसटी नंबर, पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट वगैरह ये सारा। लेकिन इसके रिकॉर्ड के एंड पे मैंने एक मंथ का कॉलम ऐड किया हुआ है जो हमें फिल्टर फॉर्मूले के यूज़ के वक्त यूज़ करना होगा। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले जो हमने इस मेन रिकॉर्ड की जो हेडिंग हमने दे रखी है इसको हम कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करने के बाद इसी को हम इसके बराबर में यहाँ पर इसको रख देते हैं ताकि हमारा ये जो फिल्टर का डाटा है वो पर्टिकुलर कॉलम वाइज होके सही तरीके से हमें दिख जाए, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा रिकॉर्ड क्या दिख रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल्टर के फॉर्मूला का यूज़ हमें करना है। तो फॉर्मूले का फिल्टर का यूज़ हम किस प्रकार से करेंगे, इक्वल का निशान दबाएंगे, टाइप हम यहाँ पर करने वाले हैं फिल्टर, और उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पर वो रेंज, यहाँ पर हमें इसको बतानी पड़ेगी भी हमें कौन सी रेंज का डाटा फिल्टर करना है। तो रेंज हमारी कौन सी रहेगी, भी ये हमारा टोटल रिकॉर्ड यानी कि ए कॉलम से लेके और के कॉलम तक का रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो ये हमने यूज़ कर लिया और उसके बाद हमें क्या करना है, कोमा लगाना है। अब कोमा लगाने के बाद हमारे से ये पूछेगा इंक्लूड, यानी कि आप इस रिकॉर्ड में से किस चीज़ के ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हो, क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जीएसटी नंबर है, पार्टी का नाम है, इनवॉइस नंबर है, टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स की अमाउंट है, तो किसके ऊपर लगाना चाहोगे, तो वो हमें मंथ पे लगाना है। तो अब हमें मंथ का यहाँ पर कॉलम कौन सा हमारा,
के, तो के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये के का रिकॉर्ड आएगा, के का केक्ल टू के का। अब यहाँ पर हमें के का रिकॉर्ड तो दे दिया, अब कह रहे अभी के अंदर आपका पास रिकॉर्ड बहुत सारा है, आप इसमें से क्या सर्च करना चाहते हो? जैसे आप कह रहे इसमें अप्रैल मई जून सारे टोटल मंथ्स आपके इंक्लूड हैं, तो हम चाहते हैं भी हमें इसके ऊपर नहीं लगाना, अब इसका जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है हमारे पास में उस रिकॉर्ड को हमने यहाँ पर दे रखा है, भी इसका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर दिखना चाहिए, तो हम यहाँ इक्वल का निशान दबाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। यानी कि इस कॉलम के अंदर यानी कि एम टू के अंदर जो हम बात लिखेंगे उसका डाटा हमें यहाँ पर दिखाई दे दे, ठीक है। और ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो जैसे मैं एंटर प्रेस किया मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मई मंथ, ठीक है। और हमारे सामने ये जो रिकॉर्ड आया ना ये केवल मई मंथ का ही रिकॉर्ड आया है। और जैसे मैं यहाँ पर इस रिकॉर्ड को अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ से अगर मैं चेंज कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अप्रैल, तो जैसे मैंने अप्रैल किया तो मेरे सामने ये केवल अप्रैल का डाटा यह मेरे को दिखाई देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जुलाई, तो जुलाई लिखूंगा तो सारा सारा डाटा मेरे पास यहाँ पर जुलाई का ही शो करेगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर जो डाटा फिल्टर हो रहा है ना ये हमारा मेन डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मेन हमारा रिकॉर्ड पूरे साल का जो हमने रिकॉर्ड तैयार किया हुआ है 12 मंथ का वो आपको सही तरीके से दिखाई देगा। तो यानी कि हम एक ही सीट के ऊपर इस तरीके से हम डबल फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें साल का डाटा भी एक साथ दिखता रहे और हम पर्टिकुलर जिस मंथ के ऊपर फिल्टर करना चाहें वो फिल्टर का डाटा हमें अलग से दिखता रहे। तो अब ये तो था केवल हमारा एक मंथ का, तो अब हमें हो सकता है भी पूरा क्वार्टर का रिकॉर्ड हमें तैयार करना पड़े, अप्रैल मई जून मंथ का या फिर सेकेंड क्वार्टर का जुलाई अगस्त सितंबर का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दो मंथ और ऐड कर देंगे। जैसा अगर हम क्वार्टर की बात करें तो पहला हमारा मंथ अप्रैल का, फिर उसके बाद हमारा मंथ आता मई का और देन आता हमारा जून का। यानी कि तीन महीने का रिकॉर्ड हमें एक साथ देखना हो तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में कुछ हम चेंजिंग करेंगे। फॉर्मूला में अब चेंजिंग क्या रहने वाली है, फॉर्मूला हमारा सेम वही काम करेगा, इक्वल फिल्टर ब्रैकेट ओपन हम करने वाले हैं इसके अंदर, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे उसके बाद हमें वो हमारा क्राइटेरिया देना, भी पूरा टेबल का जो डेटा था हमारा वो था ए से लेके के कॉलम, ठीक है। और हम इसके बाद हम क्या करने वाले, ये तो था हमारा ए से लेके कॉलम तक का, अब हम कोमा यूज़ करेंगे। अब हमें तीन मंथ का यानी कि अब मल्टी मंथ हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर हमको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा दोबारा से। अब ये कह रहे हैं ए से लेके ए तक तो आ गया, अब इंक्लूड क्या करोगे उसके अंदर, मंथ, तो मंथ का हमारे पास कॉलम कौन सा रहने वाला है, अगर मंथ की अगर हम बात करें तो मंथ रहेगा हमारा ये पूरा के कॉलम, तो हम इसको के कॉलम पूरा ही सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब के मंथ के अंदर हम रिकॉर्ड देंगे, भी के मंथ के अंदर ये रिकॉर्ड भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद फिर हमारा रहेगा जो मंथ वाजा कॉलम है, यानी कि के इक्वल के, या हम टाइप भी कर सकते हैं इक्वल, अब इसके अंदर रिकॉर्ड मई मंथ का रिकॉर्ड भी है तो वो भी हमें दिखना चाहिए। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर हम वापस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब उसके बाद में फिर हमें एक क्राइटेरिया वो देना पड़ेगा, कौन सा, मंथ वाला, तो के सेमीकोलन के और उसके बाद के अंदर इक्वल जून का, और हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। एक्सेल का अगर हम मल्टी फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये रूल होता है कि जितनी बार हमने ब्रैकेट को ओपन किया है उसी उतने तरीके से हमें इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हमने इसको क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसको एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो हमारे पास में ये तीन मंथ का रिकॉर्ड आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, अब यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास अप्रैल मंथ का, मई मंथ का और ये जून मंथ का, तीनों महीनों का रिकॉर्ड यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम इसको क्वार्टर वाइज भी इसका डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। आप देखते हो ये यहाँ पर तो तीन मंथ का रिकॉर्ड है लेकिन यहाँ पर पूरे 12 मंथ का रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड चेंज करेंगे कहाँ पर करने वाले हैं, इस ऑप्शन के अंदर जो भी हम यहाँ पर नाम लिखेंगे उसका रिकॉर्ड आपके सामने फिल्टर होके आ जाएगा। जैसा कि अगर मैं जून की जगह अगर लिखता हूँ अगस्त, एंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरे पास अप्रैल मई और अगस्त का रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पर दिखाई देगा, अप्रैल का मई का। अब अगस्त में तो देखो अब हो सकता है इसके अंदर मेरी थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, जो रिकॉर्ड आपको वही लिखना पड़ेगा
जो आपके पास उस रिकॉर्ड के अंदर आपने दिया हुआ है। तो जैसे अगस्त मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये मई के बाद में सीधा अगस्त मंथ का रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया। तो यानी कि हम इस तरीके से फिल्टर के फॉर्मूले का यूज़ करके हम एक ही टेबल के अंदर यानी कि एक इस पर्टिकुलर सीट के अंदर हम अलग अलग टाइप के डिटेल को फिल्टर कर सकते हैं। अगर वही फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर यूज़ करते इसके अंदर, तो हम फिल्टर तो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भी फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते, फिल्टर हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये है यहाँ पर जिसका चीज़ का हम फिल्टर यूज़ करेंगे ना, केवल वो रिकॉर्ड ही हमें दिखाई देगा, इसके बाद का रिकॉर्ड यहाँ से गायब हो जाएगा। हमें पूरे साल का रिकॉर्ड हम एक साथ देख नहीं सकते, और यहाँ पर आपका एक साइड में पूरे साल का रिकॉर्ड दिखेगा और साथ के साथ आपको बराबर में यहाँ पर आपका जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर जो आप फिल्टर करना चाहते हो, जो फिल्टर फॉर्मूला के आपने यूज़ किया है उसका रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पर दिखेगा साथ के साथ। तो दोस्तों आई होप कि ये जो फिल्टर फॉर्मूला यूज है आपको अच्छी तरीके से पसंद आया होगा और आप अच्छी तरीके से इसको यूज भी करोगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करना, दोस्तों में इसको शेयर भी करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लेना।